दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। करेंगे एक्सेलरेटर थ्योरी की, जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डेरिवेटिव डिमांड भी कहते हैं। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि अगर मान लीजिए कि हम अपना जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाते हैं तो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कई टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कंजम्पशन को 100 रुपीज़ से बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से बढ़ेगा, तो इस केस में जो हमारा एक्सीलेटर होगा वो 5 होगा, यानी कि द एक्सीलेटर शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंजम्पशन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ा, ये थ्योरी हमें एक्सेलेटर की थ्योरी हमें बताती है। तो अगर हम बात करें इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो 1903 में सबसे पहले थॉमस निक्सटन ने सबसे पहले इस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच रिलेशन स्टेबलाइज किया। बाद में इस थ्योरी को अल्बर्ट अल्फालियो ने आगे बढ़ाया, डिटेल में उसको एनालिसिस किया, ठीक है। लेकिन इसको सबसे पहले जो नाम दिया एक्सेलेटर थ्योरी वो था क्लार्क ने। उन्होंने एक्सेलेटर थ्योरी को 1923 में डेवलप किया। अपनी उनकी जो बुक थी उसका नाम था स्टडीज इन द इकोनॉमिक ओवरहेड कॉस्ट। इस बुक में उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और बाद में जो हेरर है उन्होंने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया और साथ ही साथ अपने बिजनेस साइकिल में इसका यूज किया। तो उनका ये मानना था कि एक्सेलेटर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस साइकिल। उनका मानना था कि जो बिजनेस साइकिल है, यानी कि रिसेशन और बूम जो बार बार आते रहते हैं, वो एक्सेलेटर में ही, एक्सेलेटर की वजह से ही आते हैं। तो जब हम बिजनेस साइकिल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेलेटर का यूज होगा, आप इसलिए इस टॉपिक को भी ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम आगे बात करें सबसे पहले एक्सेलेटर की, तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं एक्सेलेटर क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेलेटर के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाई हुई है। पहली वीडियो में हम बेसिक एक्सेलेटर का मीनिंग समझ रहे हैं, दूसरी वीडियो में हम इसका प्रोसेस समझेंगे किस तरीके से एक्सेलेटर काम करता है, और तीसरी वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेलेटर की जो थ्योरी है वो केंजियन थ्योरी जो है मल्टीप्लायर वाली, उससे किस तरीके से अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, बेसिक तरीके से बता देता हूं कि किसी भी बिजनेस में जो एक्सेलेटर है उसकी जो डिमांड है वो 2 वजह से होती है। मतलब एक्सेलेटर जो है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो होता है जो गवर्नमेंट करती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेलेटर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, क्योंकि वो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, वो तो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है, बिना किसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट प्रॉफिट के या वेल्थ प्रॉफिट के, और वो इनकम से रिलेटेड नहीं होता। तो जो इंड्यूस्ड इनकम है वो इनकम से रिलेटेड होता है, और उसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपके पास में 100 मशीनें हैं और ये मशीनों की 10 ईयर का एक टाइम पीरियड है जिसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 मशीन है तो आपको 10 मशीन का रिप्लेस करना पड़ेगा एवरी ईयर, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मशीन की डिमांड करते हो, जो कैपिटल गुड्स की डिमांड करते हो, वो किस लिए करते हो, फॉर द रिप्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है कि हर साल 10 मशीनें रिप्लेस होंगी। तो अगर हम ये मान लें कि कंजम्पशन अगर कांस्टेंट रहता है तो आपको हर साल 10 मशीनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, हर साल 10 मशीनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझनी है, मान लीजिए एक मशीन से आप 100 ही शर्ट बनाते हो, तो चलिए मान लेते हैं 100 आपने शर्ट बनाई तो आपकी जो डिमांड है वो 10,000 आ गई, ठीक है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि आपकी अगर डिमांड 10,000 है तो आपको 10 मशीनें रिप्लेस करनी पड़ेंगी। अब सपोज कीजिए कि अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है 11,000 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको 10 मशीनों की और डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एक मशीन 100 शर्ट बनाती है, इसलिए 11,000 में आपकी कितनी डिमांड न्यू क्रिएट हुई, 1,000 न्यू क्रिएट हुई, न्यू डिमांड आई। तो न्यू डिमांड के लिए आपको कितनी मशीनें चाहिए, 10 मशीनें और चाहिए, यानी कि टोटल डिमांड ऑफ मशीन कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहां पर वो कहना चाह रहा है कि एक्सेलेटर हमें क्या बता रहा है, एक्सेलेटर इज रिलेटेड टू द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड है क्योंकि जो नई डिमांड आई है, आप देख पा रहे हैं पहले डिमांड कितनी थी, चलिए मैं यहां लिख देता हूं सिंपल तरीके से, पहले जो डिमांड थी वो कितनी थी,
पहले डिमांड थी 10,000, ठीक है, अब न्यू डिमांड कितनी आ गई है, न्यू डिमांड कितनी होगी, न्यू डिमांड 11,000, तो नई डिमांड कितनी आई 1,000। अब इस 1,000 को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक मशीन शॉर्ट शर्ट बना रही है, तो 1,000 के लिए आपको 10 मशीन चाहिए होगी, तो ये 10 मशीन क्यों चाहिए आपको, न्यू डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है, और ये 10 मशीन क्यों चाहिए आपको, रिप्लेस करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डिमांड, आपकी जो रिप्लेसमेंट है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अब देखिए 10 से 20 हो गया, इसका मतलब 100% बढ़ गया, ठीक है, 10 से 20 हो गया ना, 10 से 20 हो गया, 100% बढ़ गया, जबकि आपकी जो 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 डिमांड है वो कितनी बढ़ी, डिमांड बढ़ी केवल 10%। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि केवल 10% डिमांड बढ़ने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बढ़ गया, 100% बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% upon 10% = 10, तो यहां पर आपका जो वेरी जो जो एक्सीलेटर है वो 10 times है। तो इस थ्योरी को हम आगे समझेंगे, हम आपको एक टेबल के थ्रू पूरा का पूरा समझाएंगे अगले वीडियो में। तो एक्सीलेटर का कांसेप्ट आप समझ लीजिए, एक्सीलेटर क्या कहना चाह रहा है, एक्सीलेटर थ्योरी कहती है कि जो डिमांड होती है कैपिटल गुड्स की वो दो वजह से होती है, एक तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए, यानी कि नई पुरानी मशीनों को आपको रिप्लेस करना है उसके लिए, और दूसरी है डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो जो अल्टीमेटली जो डिमांड क्रिएट होगी, मतलब अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट होगा वो जो कंजम्पशन के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा, तो वो हमारा एक्सीलेटर है। इस पूरी की पूरी थ्योरी में हमने जो अजम्पशन लिए है वो क्या लिए है वो भी आप समझ लीजिए। देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, इसका मतलब है कि जो मशीन है वो 100 शर्ट बना सकती है और वो 100 शर्ट बना रही है, किसी भी तरीके की एक्सेस कैपेसिटी का हमने यूज नहीं बचा हुआ है, यानी किसी भी तरीके की एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन सेम, सबसे पहले आप समझ लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। मैं इसके ऊपर एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल समझा देता हूँ कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। मान लीजिए आपका कैपिटल फॉर्मेशन का रेशियो है 10%, ठीक है, मतलब आपका इकोनॉमी में 20% कैपिटल फॉर्मेशन का रेशियो है और GDP जो ग्रोथ आ रही है वो आ रही है 5%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20% का इन्वेस्टमेंट करके 5% को GDP ग्रोथ किया, इसका मतलब आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो 4:1 हो जाएगा। तो ये होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो यहां पर भी यही बताया जा रहा है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जितनी चाहिए आपको मशीन अवेलेबल है, मशीन में अवेलेबल होने में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट फॉर द प्रोडक्शन इज इजली अवेलेबल, मतलब अगर किसी को उधार चाहिए तो उधार भी मिल जाएगा, और इंक्रीज इन दी इनकम इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इनिशियली इंस्टेंटली मतलब तुरंत के तुरंत आपका इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है, अगली वीडियो में हम इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे जिसमें हम आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम नेट का सिलेबस पूरा का पूरा तैयार करा रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग 250 के अराउंड वीडियो बना लिए हैं, और मैक्रो में भी हमारी अभी तक यानी कि इस वीडियो के साथ हमारी लगभग 170 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम काफी स्पीडली अपना सिलेबस कवर करा रहे हैं। तो ये कुछ वीडियो उनमें से प्राइवेट वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए आपको काफी सारी वीडियो दिखेंगी, कुछ वीडियो आपको प्राइवेट भी दिखेंगी। तो अगर आपको प्राइवेट वीडियो देखना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।